इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। साथ ही साथ आज चंद्र ग्रहण भी है, किंतु इसका प्रभाव और इसका दर्शन जो है भारत में नहीं होगा, अर्थात भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु क्योंकि ये एक खगोलीय घटना है तो निश्चित तौर पर ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं वह हर जातक पर, हर मनुष्य पर अवश्य पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस ग्रहण का स्थानीय समय और ग्रहण में किन चीजों का ध्यान किसी भी व्यक्ति को रखना चाहिए, किन किन समय में विश्व के अन्य भागों में यह ग्रहण दर्शनीय होगा, ये बात मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। आइए जानते हैं इसकी टाइमिंग क्या है। उपछाया से पहला स्पर्श यानी ग्रहण का जो सबसे पहला स्पर्श होगा वो दिन में 10:23 से लेकर 23 मिनट से आरंभ होकर के 36 सेकंड पर ये आरंभ हो जाएगा। दिन में 10:23 बजे ये शुरू हो जाने वाला है। प्रछाया से पहला स्पर्श जो उसका होगा वो होगा 11:27 पर। खग्रास ग्रहण जो शुरू होना है, जो दरअसल सही मायने में ग्रहण आरंभ होगा, वह 12:36 पर ये आरंभ हो जाएगा। परम ग्रास ग्रहण जो इसका पीक टाइम रहने वाला है, जो मूल समय रहने वाला है ग्रहण का, वह है 13:15:40। परम ग्रास का मतलब यह है कि इस समय ग्रहण सबसे चरम पर होगा, ये ग्रहण का पुण्यकाल रहने वाला है 13:15:40। और ये ग्रहण समाप्त कब होगा, दिन में 1:54:34 यानी 13:54:34 पर। और प्रछाया से अंतिम स्पर्श यानी पूरी तरीके से ग्रहण से मुक्ति कब हमें मिलेगी, ग्रहण का मोक्ष कब हो रहा है, वह दिन में 3:03:04 पर होने वाला है। उपछाया से अंतिम स्पर्श जो होगा वह होगा 16:07:37। तो इस पूरे ग्रहण की, खग्रास चंद्र ग्रहण की जो अवधि रहने वाली है वह 1:17:47 रहने वाली है। खंड ग्रास की जो अवधि रहने वाली है वह 3:34:45 रहने वाली है। उपछाया की जो अवधि रहने वाली है जहां से ग्रहण आरंभ हो जाएगा वह 5:44 का रहने वाला है, यानी कुल मिलाकर के 5:44 तक ग्रहण का प्रभाव इस पृथ्वी पर रहेगा, चंद्रमा के ऊपर रहेगा। अब जान लेते हैं जो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के साथ साथ मैं आपको सूर्य ग्रहण से संबंधित भी जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि आपको ये बताता चलूं कि आने वाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी बन रहा है, तो ये जानना आवश्यक है अभी से कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय संयम रखकर जप ध्यान करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। श्रेष्ठ साधक उस समय उपवास पूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय मंत्र का 8,000 जाप करने के पश्चात ग्रहण शुद्धि होने पर उस घृत को यानी उस घी को अगर पान कर लेते हैं, पी लेते हैं, तो ऐसा करने से आपकी मेधा शक्ति, धारण शक्ति, याद करने की शक्ति, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। कवित्व शक्ति, आपकी जो अंदर की लेखनी की शक्ति है, आपकी अपनी जो लिखने की शक्ति है उसको बढ़ाता है। साथ ही साथ आपको बोलने की शक्ति प्राप्त होती है, जिसे वाक सिद्धि कहते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितना अन्न खाता है यानी जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुंतुदक नामक नरक में उसको वास करना पड़ता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। सूर्य ग्रहण में ग्रहण 4 पहर यानी 12 घंटे पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 पहर 9 घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए, यानी आज आपको 9 घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए, शास्त्र का तो यही मत है। कम से कम बूढ़े लोग, बालक लोग और रोगी यानी जो अशक्त लोग हैं वह 1.5 पहर यानी 4.5 घंटे पूर्व तक भोजन कर सकते हैं, उनको इतनी आज्ञा दी गई है। छोटे बच्चे, बालक और उसके साथ जो रोगी लोग हैं, अशक्त लोग हैं। ग्रहण वेद से पहले जिन पदार्थों में कुशा और तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं वे पदार्थ दूषित नहीं माने जाते। पके हुए अन्न का त्याग करके उसे गाय कुत्ते को भोजन डाल देना चाहिए और फिर उसके बाद ग्रहण वेद के प्रारंभ में तिल या कुश मिश्रित जल का प्रयोग आप करते हैं, उपयोग भी अत्यावश्यक परिस्थिति में ही करना चाहिए और ग्रहण शुरू होने से अंत तक अन्न या जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसा किसी भी सनातनी मनुष्य का प्रयास होना चाहिए। ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान करना, मध्य के समय होम, देव पूजन और श्राद्ध तथा अंत में सचैल यानी वस्त्र सहित स्नान कर लेना चाहिए, इससे ही आपको ग्रहण के दोषों से मुक्ति मिलती है। स्त्रियां अपने केशों को धोए, सिर धोए बिना स्नान कर सकती हैं। ग्रहण पूरा होने पर सूर्य या चंद्र ग्रहण, जिसका भी ग्रहण है, उसका शुद्ध बिंब देख करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए।
ग्रहण काल में स्पर्श किया हुआ वस्त्र आदि भी शुद्धि के बाद ही आप प्रयोग में ले सकते हैं, तभी यह वस्त्र जो है शुद्ध माना जाएगा और स्वयं भी आपको वस्त्र सहित ही स्नान करना चाहिए। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। ग्रहण के स्नान में गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से, और ठंडे जल में भी दूसरों के हाथ से निकाले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथों से निकाला हुआ या जमीन से निकाला हुआ, जमीन में भरे हुए जल का अगर आप प्रयोग करते हैं या किसी नदी में सरोवर में आप स्नान करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। ये आपके लिए ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का और गंगा की अपेक्षा समुद्र का जल पवित्र माना जाता है। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र से अनेक गुना पुण्य मिलता है। ग्रहण के दिन वृक्षों के पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ना चाहिए, बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए व दंत धावन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, शयन करना, मलमूत्र का त्याग करना, मैथुन और भोजन, ये सब सारे कार्य वर्जित हैं। ग्रहण के समय कोई भी शुभ व नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय शयन करने से रोगी व्यक्ति हो जाता है, आपको बीमारी हो सकती है। लघुशंका करने से दरिद्रता प्राप्त होती है। मल त्याग करने से कीड़े की योनि में आपको जन्म मिल सकता है। स्त्री प्रसंग करने से सुअर के योनि में जन्म मिलता है और उपटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी हो जाता है। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय में विशेष ध्यान रखना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। 3 दिन या 1 दिन उपवास करके स्नान दान आदि ग्रहण में आपको महाफल मिलता है, किंतु संतान युक्त कोई व्यक्ति है गृहस्थ को ग्रहण और संक्रांति के दिन उपवास नहीं करना चाहिए। भगवान वेदव्यास जी के ये हितकारी वचन है जिसका आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म, जप, ध्यान, दान इत्यादि 1,00,000 गुना और सूर्य ग्रहण में 10,00,000 गुना अधिक फल देता है। यदि गंगा जल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1,00,000,000 गुना और सूर्य ग्रहण में 10,00,000,000 गुना आपको लाभ मिलता है। ग्रहण के समय में गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र और भगवान नाम का आपको जाप करते रहना चाहिए, इससे हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।